पर आपने वो जवाब दिया ना कि वाई यू आर इंटरेस्टेड इन जुडिशियल सर्विस। यस सर, मुझे दो चार चीजें अभी पूछ लूँ? हाँ पूछो मुझे पूछो। दो चार चीजें सर पूछनी है, क्योंकि अभी क्या है कि मेरे को टाइम नहीं मिल पाया बिल्कुल भी, मतलब थ्रू होने का प्रोविजन से भी, क्योंकि हाँ डेट्स भी बहुत जल्दी आ गई और मैं पिछले महीने मतलब पूरा जॉब में बिजी रही। तो सर मेरे को मतलब अब कैसे तैयारी करनी चाहिए? मेरा 18th को इंटरव्यू है। एटीन तो है, तो एक जी तो सर, क्या आप जो एकेडमिक ये पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि अब तो मिनिमम मार्क्स तो है नहीं, तो आप मेन में जितना भी है उसको देखिए, ढंग से मतलब जैसे देखिए। मैंने हाँ सीपीसी तो कल ही रिवाइज करा था तो मेरे हाँ क्वेश्चंस मतलब ठीक गए, लेकिन जैसे क्रिमिनल लाइन मोटा मोटा ही करना है, सारा नहीं आप क्या करना है। कि आपके पास जो सिलेक्टेड है ना, 10 इयर्स पेपर या इस टाइप के जो सिलेक्टेड है उनको आप पढ़ लो। मेन मेन जो जजमेंट्स इन दोनों सुप्रीम कोर्ट के आए हैं रिसेंटली, 6 मंथ्स में जो लैंडमार्क जजमेंट्स है जी सर। उनको देखो थोड़ा, और न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट न्यूज आती है। हाँ सर, वो मैं जानना चाहती हूँ। मेरा करंट अफेयर्स लास्ट टाइम भी जेलो के इंटरव्यूज पे मैंने यहीं पे दिए थे, तब भी मेरा मतलब करंट अफेयर्स में मतलब कमजोर है मेरा। तो वो भी थोड़ा देख के जाओ न्यूज़पेपर्स, है ना, जैसे अभी ये वॉर से रिलेटेड न्यूज भी जो हाँ आते हैं। सर, मैंने टॉपिक्स देखे तो जैसे इसराइल वॉर है, जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस हैं, दूसरा क्या, आप पूरा ये इंडिया हाँ तो होना ही तो चाहिए। हाँ, हाँ जैसे तर वन नेशन वन इलेक्शन है, मैरिटल हाँ रेप ये है, सब देखो। हाँ और सर मेंस्ट्रुअल लीव वगैरह, उन कॉन्सेप्ट्स को तो मैंने थोड़ा थोड़ा रीड करा है। और दूसरा ये आप मत बोलो कि वो मैं प्रिपरेशन कर रही थी पहले जेल को, आप बोलो कि मेरे को जॉब सेटिस्फेक्शन, मेरा शुरू से ड्रीम था जुडिशियल ऑफिसर हाँ बनना, सर, एक उस क्वेश्चन का आंसर। जुडिशियल ऑफिसर बनना मेरा ड्रीम था शुरू से, और ये मेरे को ज्यादा जॉब सेटिस्फेक्टरी सेक्शन देगा, ठीक मेरा है, एम मतलब अपन जुडिशियल बोल ऑफिसर सकते हैं कि बनना था। जुडिशरी इज अ नॉबल सर्विस, नॉबल प्रोफेशन, हाँ वो सो आई इट इज वांट टू बेटर सर्व द फॉर सोशल सोसाइटी, सरकार, दैट्स व्हाई आई वांट टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर। एडवोकेसी मैं और बनना पार्ट चाहती थी, मेरा ये सपना है, और ये ठीक है बता रहे हैं सर, बता रहे हैं मुझे। हाँ ये जॉब सेटिस्फेक्शन देगा मुझे, मेरी लाइफ जी में सर, सेटिस्फेक्शन देगा। बाकी तो वन साइड आपको वर्क करना होगा। अब आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है, आपके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ यदि किसी कॉन्ट्रेक्टर ने या किसी इंडिविजुअल ने सूट फाइल कर दिया, उसका क्लेम सही है, तो क्या आप म्युनिसिपैलिटी वाले एडमिट कर लोगे क्या उसको, कि दे दो इसको तो दे दो, इसका सही है इसको दे दो, कुछ कंटेस्ट करते हैं ना उसमें। देखिए हाँ सर, आप तो वन साइडेड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंटरेस्ट में काम करोगे, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के लिए काम करना होता है बाकी लीगल सर्विसेज में तो। और जुडिशियल अफसर को तो क्या है कि सोसाइटी के इंटरेस्ट में जस्टिस लोगों को दिलाने के लिए वो ज्यादा बेटर सर्विस है, और ये ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है कि हमने कुछ किया, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन है हमारा, इसलिए जो है कि आई वॉन्ट टू कम इन जी दिस सर्विस। आंसर। एक क्वेश्चन जैसे जो आपने पूछा वो मुझे पता है श्योरली मतलब पूछा ही जाएगा, कि मतलब जैसे सर मैंने अभी भावी निगम में कोई भी काम करा ही नहीं है मतलब हाँ एक्चुअली, क्योंकि टाइम मतलब ऐसा ही आप था। पहले ही बोल रहे कि रिसेंटली मैंने ज्वाइन जो किया, मैंने आंसर दिया वो ठीक बाकी था तो पहले से ही? मैंडेटरी है, नोटिस देना तो मैंडेटरी है ना, हाँ नोटिस तो तो ठीक है होगा, कोर्ट के लीव से उसको एग्जाम कर देते हैं। हाँ क्योंकि सर मैंने अभी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि टाइम भी नहीं मिला पहले, मतलब एग्जाम चलता रहा तो फिर उसको ज्यादा नहीं पूछेंगे, ज्यादा नहीं नहीं पूछेंगे, पूछेंगे। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया तो है सर ने पूछा, आइडिया क्योंकि है वो मोटा मोटा देख जाना ही, थोड़ा देख। हाँ अभी मतलब 10 दिन में करने को हाँ बहुत कुछ चीजें हैं कि किस तरह के दावे होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या कंप्लायंस होनी चाहिए, देख लो। मैंने थोड़ा बहुत पूछा भी था वहां पे, मतलब एक तो क्या मेरे सीनियर डीएलआर सर हैं, तो फिर इसलिए हाँ मेरा तो मतलब ज्यादा काम नहीं पड़ता कि मतलब एक मुझे बार कुछ डिस्कस करना। कर लेना उनसे कि भाई मोटा मोटा क्या देखना चाहिए। ठीक है, ठीक ओके, ऑल द बेस्ट है। थैंक यू।